कोरोना की महामारी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। सीएम अशोक गहलोत प्रदेश के हालातों की यहां पर समीक्षा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर, एसपी और एसडीएम से लगातार फीडबैक जुटा रहे हैं। आज भी एमएलए एमपी से मिले सुझाव, शिकायतों पर अफसरों से यहां पर चर्चा की जा रही है। पेयजल और साथ ही में क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर भी चर्चा यहां पर की जा रही है। साथ ही में पलायन करने वाले श्रमिकों को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मौजूद है। लगातार यहां पर कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए बेहद अड़िग प्रदेश की सरकार कल भी यहां पर तमाम सर्वदलीय बैठकें हुई, जिसके अंदर एमपी एमएलए ने अपने अपने सुझाव और परामर्श रखे। उन्हीं सुझाव और परामर्शों को लेकर आज मुख्यमंत्री जिला कलेक्टर से संवाद। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता पिंटू सिंह नरुका इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए लगातार यहां पर मुख्यमंत्री जी काफी ज्यादा गंभीर, कल जिस प्रकार से यहां पर सर्वदलीय बैठक हुई उससे जितने भी सुझाव और परामर्श मिले उनको लेकर आज कलेक्टर्स, एसपी और एसडीएम से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए जेपी, कल सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दो दिनों में लगातार जो जनप्रतिनिधि थे, एमएलए और एमपी, उनसे संवाद किया था जी। और उनसे तमाम सुझाव लिए थे कि इस महामारी की स्थिति में किस प्रकार से जनता की मदद की जा सकती है और क्या स्थितियां बनी हुई और क्या सुधार किए जाने चाहिए जी। वो तमाम सुझाव लेने के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो जिलों के कलेक्टर हैं, एसपी हैं और एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और जो प्रतिनिधियों के साथ जो सुझाव आए थे उनको लेकर इम्प्लीमेंट करने को लेकर मंथन हो रहा है। फिलहाल जो तमाम अधिकारी हैं उनसे अलग अलग जिलों से संवाद कर रहे हैं कि क्या जो पानी का जो मुद्दा है था पेयजल का, उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जलदाय विभाग ने जो कंटिजेंसी प्लान लागू किया था उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि पानी की शिकायतें काफी आई थी कल जनप्रतिनिधियों की ओर से, तो किस प्रकार से जनता को राहत दी जा रही है इस लॉकडाउन के चलते। साथ ही जो प्रवासी राजस्थानी थे, बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में आए हैं, खासकर सिरोही जिले, जालौर जिले, जोधपुर जिले में, तो उनको लेकर क्वारंटाइन सेंटर किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही नहीं हो और उससे संक्रमण के मामले बढ़े जी। उन सब चीजों को लेकर उनको चर्चा कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। साथ ही सीएम गहलोत ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि जो गाँव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं उनमें जनप्रतिनिधियों की मदद ली जाए जी, जी, जी। और जो सरपंच है उनका भी सहयोग लिया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा है और खासतौर पर जो लॉकडाउन में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो प्रभावित नहीं हो, पानी की, बिजली की या फिर राशन वितरण की, इन सब चीजों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि क्या कुछ तैयारियां की गई है। मुख्यमंत्री जी ने अपने जो है वो सीएम को फीडबैक दे रहे हैं और अशोक गहलोत उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं जी। जैसे पिंटू, कल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने एक और बात मेंशन की और बेहद महत्वपूर्ण ये बात रही, कहा कि शहरों से गांव की ओर ये बीमारी नहीं जानी चाहिए, तो गांव से संक्रमण को बचाने के लिए किस प्रकार से रणनीति रहेगी। और इसी के साथ में तीन बिंदु कल यहाँ पर छाए रहे, पेयजल की समस्या, क्वारंटीन सेंटर और साथ में प्रवासी मजदूर, जिस तरीके से आपने बताया, तो क्या ये प्रक्रिया रहने वाली है? चूंकि लॉकडाउन जो चार है उसमें ढील भी देखी जाएगी, तो ढील के साथ साथ ये किस प्रकार से बैलेंस होगा कि लोग इससे ज्यादा प्रभावित ना हो? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि जिस प्रकार से प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में आ रहे हैं, गुजरात से, बेंगलोर से, तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहां से आ रहे हैं, वो बड़ी तादाद में गाँव के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई लापरवाही नहीं हो उसी को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर्स को लेकर चर्चा की है कि गाँव में ये फैल नहीं पाए, कि कोई लोग इसकी चपेट में नहीं आए, इसके लिए तमाम आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो सीएम उनको दे रहे हैं। और साथ ही जो स्थितियां बन रही है लॉकडाउन में, पेयजल की स्थिति है क्योंकि तेज गर्मी का मौसम है और राजस्थान में पानी की कहीं ना कहीं समस्या रहती है, किल्लत रहती है, उसको देखते हुए कल शिकायतें भी आई थी, तो खासतौर पर पेयजल पर भी पूरी वीसी में फोकस है। और जो क्वारंटाइन सेंटर को लेकर कि जो अब प्रवासी का भारी तादाद में आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनकी पूरी निगरानी की जाए, ऐसा नहीं हो कि जो प्रवासी आ रहे हैं और उनकी जानकारी नहीं हो और बाद में कहीं ना कहीं कोई बड़ा संकट आ जाए, इसीलिए पूरी निगरानी रखी जाए जो भी प्रवासी आ रहा है और उसको क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही इसके लिए जो क्षेत्रीय जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, ग्राम पंचायत के, उनका सहयोग लिया जाए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।